सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। एयरफोर्स की पाक चीन को चेतावनी। वायुसेना प्रमुख बोले, उत्तरी इलाके में चीन हमें हरा नहीं सकता, लद्दाख में पोजीशन मजबूत है, दो मोर्चों पर भी जंग के लिए हैं तैयार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, पंपोर में CRPF के काफिले पर आतंकियों ने की फायरिंग, दो जवान शहीद, तीन जख्मी। यूपी में दंगा भड़काने की साजिश, पुलिस का दावा, हाथरस गैंगरेप केस के बाद जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट बनाई गई, जातीय दंगे भड़काना चाहते थे, बाद में डीएक्टिवेट भी किया गया। मेडिसिन के नोबेल का ऐलान, इस साल हार्वे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। देश में कोरोना से जंग जारी, देश में टेस्टिंग का आंकड़ा 8 करोड़ के करीब पहुंचा, सभी राज्यों में WHO की तय लिमिट से 6 गुना जांच की जा रही है, अब तक 66.23 लाख केस। JEE एडवांस के नतीजे जारी, IIT बॉम्बे जोन के चिराग ने 396 में से 352 स्कोर हासिल कर टॉप किया। 23 IITs में एडमिशन प्रोसेस 26 अक्टूबर से होंगे शुरू। महामारी में सेफ रहने का फंडा, छोटे आयोजनों में है कोरोना का खतरा, किसी करीबी से भी मिलें तो एहतियात जरूर बरतें, बच्चों की गतिविधियों पर रखें नजर। सामना में सुशांत पर अभद्र टिप्पणी, शिवसेना ने कहा, CBI जांच में पता चला सुशांत एक चरित्रहीन कलाकार था, मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाने वाले मांगे माफी। अब खबरें हरियाणा से। हाथरस के बाद अब गुड़गांव में दरिंदगी, दो युवक लिफ्ट देकर 26 साल की महिला को प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ले गए, दो दोस्तों को भी बुलाया, चारों ने पीटा और गैंगरेप किया, पीड़िता अस्पताल में भर्ती। नए कृषि कानून, राहुल की ट्रैक्टर रैली कल हरियाणा में करेगी प्रवेश, गृह मंत्री बोले, हुड़दंगियों को नहीं आने देंगे। कोरोना संकट, हरियाणा 20 लाख से ज्यादा टेस्ट करने वाला 17वां राज्य बना, पॉजिटिविटी दर में 9वें स्थान पर। कृषि बिलों का विरोध, तीसरी बार फिर अंबाला शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का हाईवे पर डेरा, यात्रियों ने झेली दिक्कतें। बाजार उठेगा और रोजगार भी बढ़ेंगे, कोरोना संकट में हैंडलूम इंडस्ट्री में 25-30% की डिमांड बढ़ी, 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट बढ़कर 15,000 करोड़ होने की उम्मीद। कामयाबी का शिखर, 25 पर्वतारोहियों के एक दल का नेतृत्व करते हुए अनीता कुंडू ने रुद्रुगैरा के चोटी को किया फतेह। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।